तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मूवीजिंग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 2 के बारे में। इसका पहले वाला एपिसोड आपको आई बटन पे मिल जाएगा। टीन टाइटंस का वीडियो भी हमने कवर किया है, यानी टीन टाइटंस की जो सीरीज है उसका पहला सीजन जो है वो हमने किया है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। जाके वो देख लेना, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है हमने, तो उसको एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत होती है किंग काय के प्लैनेट से, जहां पर किंग काय मौज में मस्ती में अपने प्लैनेट के ऊपर कार चलाते हुए नजर आते हैं। उनका प्लैनेट बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही क्यूट सा है। गाड़ी चला ही रहे होते हैं तो उनके सामने टपक पड़ता है अपना गोकू, जो कि इस बार फिर से आया है उनके प्लैनेट पर प्रैक्टिस करने के लिए। जहाँ किंग काय कहते हैं कि भाई तुम जब भी प्रैक्टिस करते हो ना, ये पूरा ग्रह तहस नहस कर देते हो। जिस तरह से उनका अभी ये घर भी टूट चुका है, वहाँ पर वो कुछ नहीं सुनता, सीधा खाना खाने लग जाता है। किंग काय उसे मना ही करने वाले होते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो सीधा प्रैक्टिस करना ही चालू कर देता है। फिर हम अर्थ पे देख रहे हैं, गुलमार्ट ट्रंक और वेजिटा जा रहे हैं वैकेशन पे। अब वेजिटा उन शिप के अंदर नहीं बैठा है, गुलमार्ट और ट्रंक ही बैठे हुए हमें नजर आते हैं, जो जाते हैं एक जगह पर, जहाँ पर जाते समय वो पानी से लेके जाती है, क्योंकि उसको उसके हस्बैंड को यानी वेजिटा को डराना है, इसलिए जंगल से होते हुए लेके जाती है। लेकिन वेजिटा इतना सा भी नहीं हिलता और वो वहीं पे खड़ा रहता है। ये लोग फाइनली पहुंच जाते हैं एक जगह पर, जो कि है एम्यूजमेंट पार्क। अब ट्रंक वहाँ पे शॉपिंग करते हुए नजर आता है, तो तभी गुलमा वेजिटा से पूछती है कि तुम इस बार कैसे क्या रेडी हो गए हमारे साथ वैकेशन पे आने के लिए। तभी वेजिटा कहता है कि मैंने एक शर्त लगाई थी ट्रंक से कि तुम मुझे एक पंच मार के दिखाओ, तो तुम जहाँ पे बोलोगे वहाँ पे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तो हमें वो मैच दिखाई जाती है जिसमें ट्रंक ने एक पंच मार दिया होता है वेजिटा को, इसी वजह से वेजिटा आया है उनके साथ वैकेशन पर। फिर ये लोग थोड़ा सा एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, वहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, इधर उधर घूमते भी है, और उसके बाद जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। पहले नॉर्मल सा खाना ऑर्डर करते हैं, फिर उसके बाद सुअर ऑर्डर करते हैं, उसके बाद एक बड़ी फिश ऑर्डर करते हैं, उसके बाद आता है उनके सामने एक ऑक्टोपस, जिसको खाते ही रहता है अपना वेजिटा, बिल्कुल ही खाना छोड़ नहीं रहा है। तभी जो ऑक्टोपस है वो एक ब्लैक शाही जो है उसके अंदर होती है, वो उसके ऊपर डाल देता है, जिस वजह से वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसको काबू करने का काम गुलमा कर देती है और उसे वहां से लेके जाती है। अब ये लोग शाम होने के बाद एक जगह पर बैठे हैं, जहां पर वो देख रहे हैं कि सामने समुंदर है, वहां से बड़ी शिप जा रही है। तभी गुलमा कहती है कि ऐसी ही बड़ी शिप होनी चाहिए मेरे बर्थडे के लिए, जहाँ वेजिटा को कतई ये पसंद नहीं आता, यानी शिप भी पसंद नहीं आती, इनके साथ वैकेशन पे आना भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो प्रैक्टिस करना और कठोर बनने में ही उसकी नीति होती है इस वजह से। फिर ये लोग जाते हैं एक शो में, जिस शो के अंदर एक बड़े से डायनासोर को एक्चुअल में ये लोग जला रहे हैं और वहाँ पे खाना खाने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिस भीड़ के अंदर वेजिटा खो जाता है और गुलमा और ट्रंक उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वेजिटा का गुस्सा भी बढ़ते हुए नजर आता है, जहाँ पर वेजिटा को ये कतई पसंद नहीं आया कि लोग उसे धक्का बुक्की कर रहे हैं और उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और साथ ही साथ उसे गुलमा भी नहीं दिख रही है। तो ऐसे ही करके उसके गुस्से का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बहुत जोर से चीख पड़ता है, जिस चीख की वजह से जो वहाँ के लोग अलग अलग हो जाते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं, और फिर वेजिटा वहां से उड़ चले जाता है। फिर हम देखते हैं एक प्लेनेट पे, जहां पर बेरोज नींद से उठ चुका है। वहां पर उसके सामने होता है विस, जो विस से बात कर रहा होता है, और विस जो है वो उसके लिए खाना तलाशने के लिए एक प्लेनेट पर जाता है, जहां पर हम उसी प्लेनेट पे दूसरे प्लेनेट पे देख रहे हैं कि छोटे छोटे ये एलियंस है जो कि एक बड़े से ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रैगन को नहीं मार पाते। ड्रैगन गुस्से से आग छोड़ देता है, जिस वजह से बहुत सारे एलियंस वहां पे जल जाते हैं। लेकिन उनमें से एक छोटा सा एलियन है जो उसके ऊपर आता है ड्रैगन के ऊपर, और बड़े से हथौड़े के साथ उसको मारने पीटने लगता है, जिस वजह से वो जो ड्रैगन है वो बेहोश हो जाता है, और फिर ये लोग उसे पकाने लेके जा रहे हैं। तभी वहाँ पे विश की एंट्री होती है, जो विश उसे समझाता है उस एलियन को उसी के भाषा में, जो कि अलग से भाषा हमें सुनाई देती है, तो उसे समझाता है कि ये तुम बेरोज के लिए छोड़ दो ताकि उसे ये पसंद आए और तुम्हारा ग्रह वहाँ से बच जाए। लेकिन वो एलियन कतई नहीं सुनता और वो अलग तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब इन दोनों के बीच में बातचीत हो ही रही होती है, तभी वहाँ पर बेरोज आ जाता है।
इतना देखकर वो जो छोटा सा एलियन है जो कि अभी ट्रांसफॉर्म हुआ है वो बेरूस के ऊपर हमला कर देता है। बेरूस अपने एक हाथ की एक उंगली की मदद से उसे हराने में कामयाब हो जाता है। जिस तरह से वो अलग अलग करके आग उगल रहा है बेरूस के ऊपर, तो बेरूस उसी के आग उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे वो एलियन अधमरा पड़ा है। और अभी विश कहता है कि तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम था, थोड़ा रुक जाते, लेकिन तभी वो नहीं सुनता और वो कहता है कि अब मेरे को इस ड्रैगन की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी है, अभी इस प्लैनेट को अभी मैं तबाह कर दूंगा। तो वो एक आग का गोला बनाता है, एक छोटा सा गोला जो कि इस पूरे प्लैनेट के ऊपर डाल देता है, जिससे धीरे धीरे करके वो पूरा ग्रह फूट जाता है। तभी वहाँ बेरूस उसके सपने के बारे में बात कर रहा है कि मुझे एक सपना आया था कि कोई तो एक सैन है या फिर सुपर सैन है, ऐसा कोई बंदा देखने को मिला था मेरे सपने में जो कि आखिरकार मेरी डेस्टिनी होने वाली है, यानी जिससे फाइट करने में मुझे मजा आने वाला है। तो वो जब प्लैनेट फटता है तो हमें सुपर सैन देखने को मिलता है, यानी उस टाइप की आकृति उसे देखने को मिलती है बेरूस को वहाँ पर। तब वो पता लगा लेता है कि ये और कोई नहीं है, ये सुपर सैन गॉड हो सकता है। इधर दूसरे प्लैनेट पर काय को पता चल चुका है कि कुछ तो बुरा हुआ है इस प्लैनेट पर, और बेरूस जो है वो उठ चुका है उसके वक्त के पहले ही। ये सारी बातें वो शिन से करते हुए नजर आता है। इधर हम दूसरे प्लैनेट पर यानी अर्थ पे देख रहे हैं, वेजिटा वहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। उसका ऐसा मानना है कि अभी वो नंबर 2 नहीं रहना चाहता। वेजिटा जो कि गोकू अभी नंबर 1 है, तो वेजिटा नंबर 1 बनना चाहता है। जिस तरह से पहले से उसकी रेस लगी पड़ी है गोकू के साथ, इस वजह से वो इतनी कड़ी प्रैक्टिस कर रहा है 150 ग्रेविटी में। इधर हम किंग काय के प्लैनेट पर देख रहे हैं कि गोकू प्रैक्टिस कर रहा है और वो पूरा का पूरा प्लैनेट तबाह करते हुए जा रहा है। बहुत सारे खड्डे गिरा के रखे हैं और जितनी भी प्रैक्टिस करते हुए जा रहा है वहाँ पे बहुत सारी चीजें तहस नहस हो चुकी है। इधर वेजिटा भी प्रैक्टिस करते हुए हमें नजर आ रहा है और उधर हम देख रहे हैं कि वो प्लैनेट जो है वो तबाह हो चुका है बेरूस के सामने, जहाँ पर वो बताता है कि अभी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है सुपर सैन गॉड से लड़ने के बाद। और इसी नोट पे दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। इस एपिसोड को आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट कर दो, कुछ छूट गया रहेगा तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर सकते हो मूवीजिन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीजिन। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ये तो कुछ भी नहीं था।